Chopin. सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, ये है सहकार रेडियो और आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में इस हफ्ते मैं यानी कि आपका दोस्त कौसर लेकर आया हूँ आपके लिए एक अलग तरह की घड़ी जिसका नाम है जैविक घड़ी। और ये लेख हमने लिया है चकमक पत्रिका से साभार। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाल चौपाल। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम सबको समय देखने के लिए घड़ी की जरूरत पड़ती है। उस घड़ी के हिसाब से ही हमारे सारे काम तय होते हैं। जैसे सुबह 10 बजे स्कूल जाना है, दोपहर को 1 बजे लंच करना है, शाम को 4 बजे स्कूल से वापस आना है, रात को 8 बजे खाना खाना है, 10 बजे सोने का समय होता है, सुबह 6 बजे उठने का समय होता है। हम सबके पास समय बताने के लिए अलग अलग तरह की घड़ियाँ हैं। हमारे कमरों में जो घड़ी लगी है उसे दीवार घड़ी कहते हैं। एक घड़ी हम अपने हाथों में पहनते हैं जिसे हम हाथ घड़ी या रिस्ट वॉच भी कहते हैं। ठीक इसी तरीके से वैज्ञानिकों ने एक ऐसी घड़ी ढूंढी है जो हमारे शरीर के बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर है, और इस चीज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो आज हम बात करेंगे इसी अंदर वाली घड़ी की, यानी जैविक घड़ी की। अक्सर हम देखते हैं कि रोज हमारी नींद एक खास समय पर खुलती है, भले ही हम जल्दी सोए हों या देर से, किसी खास समय पर ही भूख लगती है। आमतौर पे हम यही सोचते हैं कि उजाला होने पर वो आंखों पर प्रभाव डालता है और हमारी नींद खुल जाती है। इस बात को जांचने के लिए आप एक अंधेरे कमरे में भी सोकर देख सकते हैं कि बिना उजाले के भी क्या आपकी नींद खुलती है। इस तरह के कई प्रयोगों से ये पता चला कि हमारे शरीर की बनावट में ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो घड़ी की तरह काम करती हैं और हमारे कुछ जरूरी कामों को नियंत्रित करती हैं। इसे हम जैविक घड़ी कहते हैं, या वैज्ञानिकों की भाषा में कहें तो इसे सर्केडियन साइकिल कहते हैं। वर्षों के अध्ययन से ये मालूम हुआ कि ये जैविक घड़ी न केवल मनुष्यों में बल्कि दूसरे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए, जब एक पौधे को एक अंधेरे डिब्बे में स्थिर तापमान पर रखा गया तब भी उसकी पत्तियों के खुलने और बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं आया और उसमें वही लय बरकरार रही जो कि सूरज की किरणों की उपस्थिति में रहती है। इस जैविक घड़ी की व्याख्या के लिए अमेरिका के 3 शोधकर्ताओं जेफरी हॉल, माइकल रोजवाश और माइकल यंग को साल 2017 में चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे शरीर की ज्यादातर क्रियाओं को जैविक गुणसूत्र निर्धारित करते हैं जिन्हें हम डीएनए कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तुम चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। सामान्य ज्ञान की परीक्षाओं में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो चलो हम आते हैं अपनी पुरानी बात यानी जैविक घड़ी पे। वैज्ञानिकों ने पिछले दशकों में हमारे गुणसूत्रों के उन खास तत्वों को खोजा जो अलग अलग कामों को करते हैं। 1984 के सन में जेफरी हॉल और माइकल रोजवाश ड्रोसोफिला नाम की मक्खी के डीएनए से इस जीन को अलग करने में सफल रहे और इस जीन को इन्होंने नाम दिया पीरियड। यही मक्खियों के शरीर की घड़ी को नियंत्रित करता है। साल 1994 में माइकल यंग नाम के एक वैज्ञानिक ने एक नया जीन खोजा और उसको नाम दिया टाइमलेस। ये जीन भी हमारी जैविक घड़ी के लिए जरूरी है। इस अध्ययन ने सर्कैडियन जीव विज्ञान नामक विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया और इस अध्ययन से ये स्पष्ट करने की कोशिश हुई कि किस तरह जैविक घड़ी का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। इस अध्ययन के बाद से कई नई संभावनाएं खुली, जैसे कि सर्जरी या ऑपरेशन का कोई सही समय भी हो सकता है क्या? कोई दवा या टीका किसी खास समय दिया जाए तो क्या उसका असर ज्यादा हो सकता है? इस बात पर वैज्ञानिक अभी अध्ययन कर रहे हैं। इन खोजों के लिए जेफरी हॉल, माइकल रोजवाश और माइकल यंग को साल 2017 का चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
पुरस्कार की ये राशि इन तीनों वैज्ञानिकों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। तो बच्चों, ये था इस हफ्ते का बाल चौपाल की ज्ञान विज्ञान श्रृंखला का लेख जैविक घड़ी। आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो। इस लेख को हमने लिया था चकमक पत्रिका से। आपको ये लेख कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजिए। फेसबुक से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बाजू में जो बेल वाला बटन है ना, उसको दबाना मत भूलना, जिससे तुम्हें नया कार्यक्रम आते ही सबसे पहले पता चल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahkarradio.com देखिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे फिर से ऐसे ही किसी रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियां।